तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेसी का बहुत सारे न्यू अपडेट आया है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्राइवेसी के अंदर का बहुत सारे फ्यूचर के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो आपको कहाँ कहाँ कौन सी सेटिंग कहाँ यूज़ होता है सभी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के प्राइवेसी के सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसी तरह का आपको ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलता रहता है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको मैं प्राइवेसी के अंदर का सभी सेटिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। आपको कौन सा ऑप्शन कहाँ यूज़ होता है सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना हो, थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सेकेंड का एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस प्राइवेसी के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो ये प्राइवेसी चेकअप का एक नया अपडेट आया है। तो दोस्तों, आपको भी ये ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें बहुत सारे आपको फ्यूचर मिलेगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम पहले हम बात करेंगे तो व्हाट्सएप प्राइवेसी के अंदर के सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो हु कैन सी माय पर्सनल इन्फो। तो दोस्तों, अभी आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा। गाइस, आप देख सकते हो हु कैन सी माई लास्ट सीन। तो दोस्तों, आप जब भी आप व्हाट्सएप के अंदर आप ऑनलाइन रहते हो ना, तभी बहुत सारे लोगों को आप व्हाट्सएप के अंदर का ऑनलाइन सभी को पता चलता है आप व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो इसको आप ऑफ कैसे करना है, तो आप कितना लोगों को आप सेलेक्ट करके रखते हो उतना लोगों को आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखाना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो नीचे की साइड में आपको एवरीवन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आपका क्लिक है। तो दोस्तों, आप जब भी आप ऑनलाइन रहते हो ना व्हाट्सएप के अंदर, तो सभी लोगों को पता चलता है आप व्हाट्सएप के अंदर आप ऑनलाइन है। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक रखते हो। तो उसके अंदर मैं आपको मैं बता देता हूँ आपका व्हाट्सएप में कितना अकाउंट है, उतना लोगों का आप व्हाट्सएप के अंदर आप ऑनलाइन दिखाई देता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक रखते हो। तो क्लिक रखने के बाद आप कितना लोगों को आप ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहते हो उस आदमी को आप सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से मैं दो तीन लोगों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रायोरिटी क्लिक करते हो ना, तभी आप तीन लोगों को कितना लोगों को आप सेलेक्ट करते हो उतना लोगों को आप ऑनलाइन नहीं दिखाई देता। ऑनलाइन आप बंद करना चाहते हो तो आप नोबडी पे आपको क्लिक रखना होगा। तो नीचे की साइड में आप देख सकते हो मैसेज लास्ट सीन के ऊपर आपको क्लिक रखना होगा। तो क्लिक रखने के बाद आप व्हाट्सएप पे जब भी आप ऑनलाइन रहते हो तो आप आगे वाले बंदे को आप किसी को भी पता नहीं चलेगा आप व्हाट्सएप के अंदर आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रोफाइल फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल सा मैं प्रोफाइल फोटो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हु कैन सी माई प्रोफाइल फोटो। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, तो आपका प्रोफाइल फोटो आप कितना लोगों को आप दिखाना चाहते हो, या तो आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हो इधर से आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले में आप देख सकते हो एवरीवन पे क्लिक है। तो दोस्तों, आपका प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप का प्रोफाइल फोटो सभी लोगों को दिखाई देता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। तो उसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप के अंदर कितना कॉन्टैक्ट है उतना लोगों को आपका व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। तो कितना लोगों को आप सेलेक्ट करते हो ना उतना लोगों को आप व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाई देगा। ऐसा करके आप व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो भी आप हैड भी कर सकते हो, या तो आप कितना लोगों को आप दिखाना चाहते हो उतना लोगों को आप दिखा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो नोबडी का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। तो उसके बाद आपका प्रोफाइल फोटो किसी को भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हो ऊपर की साइड में हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट्स। तो दोस्तों, आप व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस रखते हो ना, तो आपको कितना लोगों को रखना है या तो किसी लोग कितना लोगों को आप नहीं दिखाना चाहते हो इतना आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो पहले में आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट में कितना लोग है ना उतना लोगों को मेरा व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई देगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो कितना लोगों को आप सेलेक्ट करते हो ना उतना लोगों का आप व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिखाई देगा। तो उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ ओनली शेयर विद का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, तो कितना लोगों को आप सेलेक्ट करते हो ना उतना लोगों का आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई देगा। तो इस तरह से करके आप व्हाट्सएप में भी सेटिंग इस तरह से कर सकते हो।
तो अभी मैं ब्याह करता हूँ। ब्याह करने के बाद आप देख सकते हो रीड रिसिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपका कोई भी आपका चैट हिस्ट्री रहता है या तो आपका व्हाट्सअप में कोई भी ग्रुप रहता है 24 आवर में आपका डिलीट कर रखना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, नहीं तो 7 डेज में आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी डिलीट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मैं 24 आवर रख देता हूँ, रखने के बाद ऑटोमेटिकली सभी मैसेज या तो आप ग्रुप का मैसेज रहता है ना सभी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, नहीं तो आप ऑफ भी कर सकते हो, तो एक भी मैसेज डिलीट नहीं होगा। तो आप डिलीट करना चाहते हो तो आप 24 या तो 7 डेज 90 डेज आप रख सकते हो। इस तरह से रखने के बाद किसी भी मैसेज आपकी व्हाट्सएप में अंदर नहीं रहेगा, 24 आवर में सभी क्लीन हो जाएगा व्हाट्सएप के अंदर का मैसेज। तो इस तरह से करके ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपकी बिना मर्जी के कोई भी आपका ग्रुप में ऐड करते हो ना बिना परमिशन के, तो इधर से आप सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा योरियन पे क्लिक है, तो कोई भी मेरे को ग्रुप में ऐड कर सकता है, तो इधर से ऑफ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना हो, माय कॉन्टैक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट में कितना लोग हैं ना वो आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो माय कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो कितना लोगों को आप सेलेक्ट करते हो ना वो लोगों आपको व्हाट्सअप के ग्रुप के ऐड नहीं कर सकता। तो इस तरह से करके इसका बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप देख सकते हो ग्रुप्स के बारे में। तो उसके बाद आप देख सकते हो लाइव लोकेशन, उसका कोई भी आप लेना देना नहीं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कॉल्स का एक नया अपडेट आया, तो उसके ऊपर आप मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ साइलेंस अननोन कॉल्स। तो दोस्तों आपको अननोन नंबर से मैसेज आता है या तो आपको कॉल्स आता है ना तो साइलेंस में आप रख सकते हो, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन रख सकते हो। तो इसके बाद आपका कोई भी आप अननोन नंबर से मैसेज आता है या तो आपको कॉल्स आता है ना तो आपको परमिशन के बिना आपको व्हाट्सअप के अंदर मैसेज नहीं आएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो नीचे की साइड में देख सकते हो ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप इधर से देख सकते हो आप व्हाट्सअप के अंदर कितना लोगों को आप ब्लॉक किया है, तो इधर से भी आप देख सकते हो, इधर से ही आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फिंगरप्रिंट लॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करके इधर से आप वो व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप को आप फिंगरप्रिंट लॉक भी रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ऑन रखना होगा, ऑन रखने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लगा देना होगा, लगाने के बाद आपका व्हाट्सएप लॉक रख सकते हो। तो इस तरह से करके आप देख सकते हो प्राइवेसी के अंदर के सभी मैं सेटिंग में आपको बता दिया हूँ। दोस्तों आपको पता चला होगा व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेसी का सेटिंग कैसे यूज करना है, क्या क्या सेटिंग है सभी इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसी तरह का आपको ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलता रहता है। सो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बारे में, नहीं तो आपको कोई भी आपको मोबाइल के बारे में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है आपको मैं बताता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।